अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं जो इस समय भी बंद है। क्वारब में लगातार मलबा गिरने के चलते हाईवे को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। और जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस समय भी हाईवे बंद रखा गया है। इसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं, लेकिन लापरवाह NH के अधिकारियों ने हाईवे खोलने के लिए सुबह 6:30 बजे के बाद से JCB मशीन लगाई, जिसको लेकर रात भर से फंसे हुए यात्रियों ने क्वारब पुलिस पर जोरदार हंगामा किया और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। क्लियरिटी क्यों नहीं दे जा रही, रोड को पूरा बंद कर दिया जाए। रात को हम लोग यहाँ पर 8:30 बजे से फैमिली के सहित है और क्लियरिटी उस टाइम पे क्यों नहीं दी गई। तो आप सुन रहे हैं, ये वो यात्री हैं जो पूरी रात फंसे रहे हैं यहाँ पर। ये रास्ता देखिए इस समय भी बंद है और लापरवाही का सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह की तस्वीर और जिस तरह से दोनों ही तरफ ट्रैफिक रुका हुआ है, जिसमें बसेज हैं, लोगों की अपनी गाड़ियां हैं, दो पहिया वाहन भी हैं, लोग इनमें सवार हैं, छोटे बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। हर कोई परेशान हो रहा है और लापरवाही का आरोप लगा रहा है। फंसे हुए लोगों ने जोरदार हंगामा किया है। उधर उत्तरकाशी में सिलक्वारा टनल में भूस्खलन के बाद से कार्य लगातार जारी है। टनल निर्माण कब पूरा होगा ये अभी सवाल बना हुआ है। टनल के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टनल वाली साइट में मीडिया कवरेज पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन सोर्सेस बता रहे हैं कि जिस जगह पर मलबा आया वहां से एक तरफ से रास्ता पार किया गया है। दो प्लान पर और काम चल रहा है। आपको यहाँ बता देते हैं कि बीते साल 12 नवम्बर को निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन हुआ था, जिसमें सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सकुशल बाहर निकाला गया था। तभी से सुरंग के सिलक्यारा छोर से भूस्खलन का मलबा सुरंग निर्माण में बाधा बना हुआ है। सिलक्यारा टनल में न्यूज 18 है, न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि किस तरह से सिलक्यारा टनल में कार्य चल रहा है। ये सिलक्यारा टनल है जिसपे दिवाली के समय टूट हुई थी और तब जाके काम रुक गया था। 41 मजदूर अंदर फंस गए थे जिनको बमुश्किल बाहर निकाला गया। तब से जाके अब तक ये एक पहेली बना हुआ है कि आगे अंदर की स्थिति क्या है, क्योंकि जो इनपुट बताते हैं कि अंदर जो मलबा है वहाँ से एक तरफ से रास्ता बना के थोक कर दिया गया है। और इस पूरे एरिया में मीडिया की कवरेज पे पूरी तरह से पाबंदी है, मीडिया पे रोक है और कोई भी अधिकारी जो टनल साइड के साइड है वो जवाबदेही उनकी दिखती नहीं है। मीडिया के फ़ोन करने पे भी फ़ोन वो उठाते नहीं है, तो इनपुट क्या है अंदर का ये पता नहीं है। पर जो स्थानीय लोग जो बताते हैं कि अंदर कार्य चल रहा है, जो मलबा है उस पर प्लानिंग के तहत कार्य किया जा रहा है। 3 तरह के प्लान पे काम करके एक तरफ से रास्ता बनाया गया है, फिर दूसरे तरफ से रास्ता बनाया जाएगा, फिर तीसरे तरफ से रास्ता बनाया जाएगा, फिर मलबे को वहाँ से हटाया जाएगा। तो इस तरह से कार्य शुरू है। कितना समय इसमें लग सकता है ये भी अभी क्लियर नहीं है। अपडेट यही है कि लगातार कार्य चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द कार्य को किया जाए। इसमें समय कितना लगता है टूट के बाद इस पे अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी कंपनी के हैं वो पूरी तरह से मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, इसके चलते ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये जो टनल है कब तक इसका कार्य पूरा हो पाएगा। बलबीर परमार, न्यूज 18, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। हरिद्वार में हर की पैड़ी और गंगा घाटों के आसपास बसी अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है। नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान 2 दिन से जारी है। घुमंतू परिवारों के द्वारा बनाई जाने वाली झोपड़ियों में मांस मदिरा और अन्य आपत्तिजनक चीजें मिलने के साथ ही कई मामले सामने आ चुके हैं। स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद एक बार फिर से नगर निगम और प्रशासन ने झोपड़ियों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम अब तक 50 से ज़्यादा झुग्गियों को JCB की मशीन से हटा चुका है। उधर हरिद्वार जेल से फरार 2 कुख्यात अपराधियों का पता अब भी नहीं चल पाया है और पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर अपराधियों की तलाश में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच आपको बताएं, इस मामले में DM ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। SDM मनीष सिंह को सौंपी गई है इसकी जांच।
चमोली के गौचर में हुई मारपीट और बवाल के बीच में एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी रिजवान, सलमान और आसिफ पर केस दर्ज किया है। इनके अलावा कुल 80 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। गौचर में हालात नियंत्रण काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मैं सुबह सुबह दुकान में सफाई कर रहा था तो दो ये मसाले वाले बाप बेटे आके स्कूटी को हटाने के लिए बोलने लगे कि रास्ते में खड़ी क्यों कर रखी है, हटा लो। इस चक्कर में वो गाली गलौज करने लगी, जिस चक्कर में थोड़ी सी बहस होने के बाद हत्तापाई होगी और इसी को लेके हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये सारे जितने भी मोमडन लोग थे 80-90 इकट्ठा थे, कम से कम 20-25 तो लड़कियाँ थी, बच्चे थे। वहाँ इन्होंने सबने मिल के मुझे मारा, ईंट से मेरा सर पे भी मारा जिससे बहुत खून बहा। एक पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है दो समुदायों के बीच, तो वहाँ मजिस्ट्रेट संतोष पांडे जी ने BNSS धारा 163 लागू कर दी है नगरीय क्षेत्र गौचर और कर्णप्रयाग में, और SP साहब के माध्यम से पर्याप्त पुलिस बल वहाँ तैनात है। स्थिति अभी नियंत्रण में है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाए। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। होटल और ढाबों में खाने पर थूकने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होने वाली है। राज्य के पुलिस प्रमुख अभिनव कुमार ने राज्य के सभी SSP को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। DGP ने आदेश दिया है कि होटल और ढाबों में काम करने वालों का वेरिफिकेशन किया जाए, सभी होटल के किचन में CCTV कैमरे लगाए जाएं। खाद्य विभाग और नगर पालिकाओं के साथ ही पुलिस की टीम रेड भी करेगी। इसके अलावा थूक जिहाद में शामिल लोगों पर BNS की धारा 274 और 196 के साथ ही पुलिस एक्ट में गंभीर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते आपको बता देते हैं कि असल में इससे ठीक पहले CM धामी ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे और अलर्ट किया था कि त्योहारों के मद्देनजर ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। साफ उन्होंने कहा कि थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद के बाद अब खाने में थूकने जैसी घटनाओं से लोगों में गुस्सा है। मसूरी और देहरादून से दो मुस्लिम कारोबारियों की गिरफ्तारी के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे थूक जिहाद करार देते हुए कहा कि देवभूमि में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने मंगलवार को त्योहारी सीजन के मद्देनजर अफसरों की मीटिंग बुलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि त्योहारी सीजन में कोई इस तरह की करतूत ना करे। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेजी से आ रहा है और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे, इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे, ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार के, हमारे त्यौहार के सीजन आ रहे हैं, इस त्यौहार के सीजन में उनको खाने की चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो सभी शुद्ध प्राप्त हों। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हिंदुवादी संगठन दो कदम और आगे बढ़ते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो समुदाय विशेष के लोगों को अपनी मकान दुकान किराए पर ना दें, ताकि वो यहाँ पर व्यापार ही ना कर पाए। जबकि BJP प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर बाहरी मुस्लिमों को इसकी वजह बताया है। अगर हमें थूक जिहाद को या इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को या जिहादियों को, देवभूमि को जो नरक बना रहे हैं, अगर इनको रोकना है तो इनको अपनी मकान जमीन दुकान नहीं देनी होगी, तभी जाके हम ऐसे लोगों को इस देवभूमि में रोक सकते हैं। तो हम चाहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में भी इन लोगों पर कठोर कार्रवाई के साथ साथ जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अब अपने व्यक्ति को कोई मूत्र वाली चाय, थूक वाले भोजन कराएंगे तो आपकी दुकान चलेगी? ये देख, षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के मुसलमानों के कारोबार पर पड़ने वाला है, इसलिए बड़ी कड़ाई के साथ यहाँ के मुसलमानों को
इन तथाकथित जो बाहर से आ रहे हैं, एक षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं, इनका विरोध करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए और देवभूमि के स्वरूप को यथावत बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक थूक जिहाद पर बवाल मचा हुआ है। यूपी सरकार इसके खिलाफ विशेष अध्यादेश लाने की तैयारी में है, तो उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जल्दी इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की वोटिंग होगी, 23 नवंबर को मतगणना होगी, 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन होगा, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 4 नवंबर का दिन नाम वापस लेने के लिए आखिरी तारीख होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। केदारनाथ में कुल 90,540 वोटर्स हैं, जिसमें 44,000 से ज्यादा पुरुष हैं, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या इनसे ज्यादा है। 45,775 महिला वोटर्स यहाँ हैं। कुल मिला के 173 पोलिंग बूथ भी वोट डालेंगे। तो आचार संहिता लागू हो चुकी है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की एक सीट जिस पर उपचुनाव होना है। आगामी कुछ दिन त्योहार के जो दिन हैं, ये दोनों ही पार्टी आप कह सकते हैं, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने त्योहार महत्वपूर्ण हैं। केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सीएम धामी ने केदारनाथ की जनता विकास को चुनेगी कहा और बीजेपी ही जीतेगी कहा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का और राज्यों का तेजी से आगे बढ़ा है, उस विकास को आगे बढ़ाएंगे और केदारनाथ हमारा, केदारनाथ धाम हमारे प्रधानमंत्री जी का ऐसा स्थान है जहां पर उनकी आस्था है, श्रद्धा है, उनके अनन्य भक्त हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और वहां चुनाव हो रहा है, वहां भी दिव्य केदार और भव्य केदार 2014 के बाद बना है। वो यात्रा विकास की तेज़ी से बढ़ेगी। केदारपुरी का पूरा नाम देश दुनिया के अंदर वो नाम आगे बढ़ेगा और उपचुनाव में लोग वहाँ विकास को चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सड़कों पर गड्ढा को लेकर न्यूज 18 के रियलिटी चेक का जोरदार असर हुआ। अधिकारियों ने खबर देखने के बाद यहां पर अब एक्शन लिया है। हड़कंप तो मच ही गया था खबर को देखने के बाद। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। 15 अक्टूबर डेड लाइन खत्म होने वाली है। 15 अक्टूबर को देखिए डेड लाइन जो खत्म होने वाली है। अभी तक सड़कों के जो गड्ढे हैं वो भर नहीं पाए हैं, इसी का रियलिटी चेक हमने दिखाया था और इसका असर भी अब देखा जा रहा है। अगले दिन विभाग हरकत में आ गया और पहाड़ से लेकर मैदान तक दावा किया गया कि 15 अक्टूबर तक 90% पैचवर्क कंप्लीट कर लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने तो बाकायदा सफाई भी दी इस पर। विभाग का कहना था इस बार देरी तक बरसात होने के कारण और ठेकेदारों की हड़ताल के कारण काम में देरी हुई। एक माह पहले 90% काम कर चुके हैं पैचवर्क का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि पूरे प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। लेकिन उसमें एक इशू जरूर रहा कि इस साल बारिश जो है, जो जनरली 15 सितंबर तक खत्म हो जाती है, इस बार 30 सितंबर तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ स्टार्ट करने में हम लोगों काम। और बीच में क्या हुआ, जो हमारे लोकल ठेकेदार हैं, जो पहाड़ के जनपद के मेनली ठेकेदार हैं, उन्होंने भी स्ट्राइक की हुई थी, उनके कुछ इश्यूज थे, उस पर डिस्कशन चल रहा था, तो उसकी वजह से जल्दी से काम स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम लोग 90% तक के आसपास पहुंच रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि आज शाम तक, जो डेडलाइन है आज हमारी, आज हम लोग 100% कर ले। उधर मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आ गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बीच बीच में मौसम खराब होने के कारण कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन अगले 5 से 10 दिनों में सभी सड़कों का गड्ढा मुक्त करा दिया जाएगा। तो
आया लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। देखिए वो चूंकि उस समय में हमने लक्ष्य जरूर दिया था कि 15 अक्टूबर तक जो है इसको पूरा हो जाए, लेकिन मौसम बीच बीच में काफ़ी ख़राब होता रहा है, बरसात होती रही है, उसके कारण से काम करने में भी दिक्कत हुई है, लेकिन जल्दी से जल्दी वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 दिनों में लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हरिद्वार से खबर, जहां से बहादुराबाद में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया है। पीठ बाजार क्षेत्र में घर के बाहर मिला है मगरमच्छ गाड़ी के नीचे, इसका रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मौके की, भारी भीड़ जमा हो गई मौके पर मगरमच्छ को देखने के लिए। वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। जंगल से निकल कर आबादी के क्षेत्र में ये मगरमच्छ आ गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए हल्ला गुल्ला काफ़ी ज़्यादा हो गया और गहमा गहमी हो गई। मगरमच्छ अचानक से जब लोगों ने रिहायशी इलाके में देखा तो लोग डर गए। गाड़ी के नीचे ये बड़ा विशाल मगरमच्छ, इसको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को आना पड़ा। हरिद्वार के शिवालिक नगर में ई रिक्शा चोरी कर भाग रहे दो चोरों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें कांस्टेबल और होमगार्ड घायल हो गए। दरअसल देर रात दो संदिग्ध लोग ई रिक्शा लेकर जा रहे थे, उन्हें रोककर पुलिस वालों ने जब पूछताछ की, दोनों चोरों ने पुलिस कर्मियों के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया, रिक्शा छोड़कर भाग गए। संदिग्धों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में देर रात्रि 3 बजे के आसपास जो हमारी चेतक मोबाइल है वो गश्त पर थी, इसी क्रम में जे ब्लॉक इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारे चौकी क्षेत्र में पड़ता है, रानीपुर के ही गैस प्लांट चौकी क्षेत्र में, वहां पर एक स्कूटी और उसके साथ ही एक ई रिक्शा इनको आती हुई संदिग्ध दिखाई दी थी, जिससे पूछताछ करने पर जो अभियुक्तगण हैं उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा था। इस क्रम में जब हमारे हेड कांस्टेबल कुंदन और उसके साथ में होमगार्ड के जवान विक्रम के द्वारा इनसे जब पूछताछ की जा रही थी, इसी क्रम में इन्होंने मौके का फायदा उठाकर पुलिस पर हमला किया। उत्तराखंड में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले 400 डिप्लोमा होल्डर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इन सभी को भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड ने 2019 से 2022 के बीच में रजिस्टर किया था, लेकिन तब सवाल उठने लगे थे और फिर परिषद ने ये प्रक्रिया रोक दी थी। सवाल खड़ा हुआ था कि ये क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने कहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया है। इसी सवाल के बीच में आयुष सचिव विजय कुमार जोगदंडे ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश जारी किया है। जो अवैध चिकित्सक थे जिनके पास में कोई वैध डिग्रीज नहीं था, ऐसे जो भी पंजीकरण हुए थे जिसको 2021 से उन्होंने बंद कर रखा था, उसको निरस्त करने का निर्देश जो है उनको जारी कर दिया गया है। इसके उपरांत समस्त कार्रवाई चिकित्सा परिषद के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। देखिए ये शासनादेश के तहत रजिस्ट्रेशन हुए थे और ये जो डिप्लोमाधारी थे उनके पंजीकरण शासनादेश के अकॉर्डिंग हमने किए थे और ये कम से कम 402 जो है रजिस्टर्ड आज की डेट में है। हरिद्वार से जूना अखाड़े की पौराणिक छड़ी यात्रा रवाना हो गई है। माया देवी मंदिर में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, महामंत्री महंत हरिगिरी और आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने छड़ी यात्रा को रवाना किया। साधु संतों ने बताया कि छड़ी यात्रा उत्तराखंड के चारों धाम सभी धर्मस्थलों पर भ्रमण करते हुए ओम पर्वत तक पहुँचेगी। परंपरा है और यह जूना अखाड़ा इसका नेतृत्व करता है। जूना अखाड़े के प्रतिनिधित्व में यह छड़ी हमारी पूरी चार धामों में पहाड़ों में भ्रमण करती हुई, इस वर्ष हरिगिरी जी महाराज का निर्णय हुआ है कि हम ओम पर्वत पर जाएंगे। ऐसा है कि आप जानते हैं चारों धाम होते हुए पुंडागिरी होते हुए टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ और जागेश्वर तमाम पहाड़ की हर मंदिरों को घूमती फिरती ओम पहाड़ से फिर पुणे माया देवी आई। कब पहुंचेगी यहां पर? दिवाली के आसपास की संभावना है। नैनीताल से खबर, जहां पर पारंपरिक हॉकी से हटकर एक अलग तरह की हॉकी खेली जाती है।
देखिए इस हॉकी में ना सिर्फ मैदान भी छोटा होता है बल्कि खिलाड़ियों को इस खेल को खेलने के लिए भी ज्यादा दमखम दिखाने की जरूरत होती है। नैनीताल में खेली जाने वाली ये 5 ए साइड हॉकी का नजारा कुछ अलग ही है। रेफरी की सीटी बजते ही खेल तो आम हॉकी की तरह से ही शुरू होता है, लेकिन आम हॉकी से ये कई मायनों में अलग है। 5-5 खिलाड़ियों से खेली जाने वाली इस हॉकी में न सिर्फ दिमाग दौड़ाना पड़ता है बल्कि इसमें ज्यादा दमखम की भी जरूरत होती है। इसमें स्टैमिना की बहुत जरूरत होती है क्योंकि ये बिल्कुल अलग ग्राउंड है। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने खेला नहीं है तो मतलब बहुत स्टैमिना लग रहा है हम लोगों का। यहाँ पे तुरंत तुरंत हम लोग चेंज भी कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा स्टैमिना लग रहा है। गेम कंट्रोल से पहले खुद कोई प्लेयर को फुटवर्क कंट्रोल करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें हैं कि सरफेस की वजह से बंदे ने खुद कंट्रोल करना होता है प्लेयर, क्योंकि ये छोटा गेम है और थोड़ा टाइम का है इसलिए फास्ट गेम है। लगता है ज्यादा पावर लगता है इसमें और ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है। हाँ, दोनों चीज। इस खेल की खासियत है कि इसमें सिर्फ 100 फीट लंबी और 64 फीट चौड़ाई का मैदान बनाया जाता है जिसे चारों तरफ से लकड़ी के तख्ते से कवर किया जाता है। 16 फीट में डी बनाया जाता है तो मात्र 4 फीट का गोल पोस्ट बनाया जाता है। वही 15 मिनट के खेल में 7.5 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। इतना ही नहीं, इस हॉकी में ना तो कोई गोलकीपर होता है और ना ही कोई राइट आउट या लेफ्ट आउट होता है। काफी समय से नैनीताल में प्रतियोगिता हो रही है और हम भी इसको प्रतियोगिता को हमेशा हमारा प्रयास यही रहा है कि हम इसको लगातार करें ताकि हम महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिला सकें। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इसमें राष्ट्रीय स्तर की लड़कियां भी यहां पे आके खेलती हैं और जो इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाती है। सरोवर नगरी में खेले जाने वाली इस खास हॉकी पर पैसों की कमी के चलते संकट के बादल मंडराने लगे हैं। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे देखिए पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। तुर्की के पिरान कलियर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। एक गाड़ी से 10 क्विंटल पनीर जब्त करके सैंपल जांच के लिए भेजे। तुर्की में ड्रग्स विभाग ने कई मेडिकल स्टोर में छापेमारी की और 5 दवाओं के सैंपल्स भी जांच के लिए भेजे। अल्मोड़ा SSJ यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ऋषिकेश नगर निगम को लगातार तीसरी बार पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखंड में मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संगठन के चुनाव परिणाम में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। टिहरी के कीर्ति नगर में आयोजित तहसील दिवस में DM ने लोगों की शिकायतों को सुना और अधिकारियों से शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निस्तारण करने को कहा। पिथौरागढ़ में राज्य मानवाधिकार आयोग ने कई शिकायतों की सुनवाई की है और इस दौरान आयोग के सदस्यों ने 23 शिकायतों की सुनवाई की। बागेश्वर में बाल विज्ञान कांग्रेस में DM ने कार्यक्रम में शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए विज्ञान मॉडल और प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया। हरिद्वार में 17 अक्टूबर से 4 दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। और उत्तरकाशी के गाजड़ा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के 62 लाभार्थियों को गृह प्रवेश पर चेक दिया गया है। लाभार्थियों ने PM मोदी का आभार जताया।